अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहा है सुबह के 6:15 और मुझे यूनि नहीं जाना क्योंकि आज जो है विटरबो में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इटली में इन लोगों को वर्ल्ड टू का मतलब टू का अब जाके बॉम्ब मिला है। तो उसको उन्होंने कुछ निकालना है, डिफ्यूज़ तो है ही लेकिन उसको निकालना है। तो इन्होंने कहा है कि भाई आप सब जो है ये शहर मतलब खाली कर दें एक दिन के लिए। तो 8 बजे से 4-5 बजे तक इन्होंने टाइमिंग दी है तो हमें जाना है। तो हम जा रहे हैं दूसरे शहर रोम में और इन्होंने जो है अभी सब खाली कर दिया, जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं सब चले जाएंगी। आधी से ज़्यादा फ्लैट के नीचे यहाँ पे जो है गाड़ियाँ चली गई हैं और बाकी फ्लैट्स खाली है, लोग आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं सारे। तो अभी हम लोग भी चलते हैं। हम पाकिस्तानी ना कहीं पर भी टाइम से नहीं निकल सकते, दूसरों का नहीं पता लेकिन मेरी फैमिली तो नहीं निकल सकती। और आज भी यही हुआ था कि लाइट उन्होंने ऑफ़ कर दी थी क्योंकि टाइम होने वाला था, तो इसलिए लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं थी और हमें पैदल जाना पड़ा था सीढ़ियों से। उसके बाद यहाँ पे मैंने पहली दफ़ा देखा इतनी एम्बुलेंस, इतनी आर्मी और पुलिस और इतने सब जा रहे थे। और इन्होंने रोड भी ना बंद कर दिया था कि नहीं, क्योंकि वो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का करीब था बॉम्ब से, तो उन्होंने वो रोड भी बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने कहा अब कुछ नहीं होगा। फिर खैर हम लोग पहुँच गए थे रोम। और ये टिकट वाला सीन ना, मेट्रो वाला सीन मुझे आज तक कभी भी समझ नहीं आया और ना समझ आएगा आगे मेरे भाइयों को समझ। मेट्रो आ गई और यहाँ से जो है अब हम जाएंगे अंदर। मेट्रो में मुझे ऐसा लगता है मैं गुम हो जाऊंगी क्योंकि मेरे भाइयों को ही समझ आती है, मुझे मेट्रो की कभी भी आज तक समझ नहीं आई कि कौन सी मेट्रो किधर से और कौन सी मेट्रो किधर से। विक्टोरिया मार्केट जो जो रोम आ चुका है और जो रोम में रहता है उनको पता होगा ये सबसे बड़ी यहाँ की मार्केट है और मतलब ये पाकिस्तानी है, मतलब हर चीज़ होती है पाकिस्तान की। तो अभी मैं दिखाती हूँ बैक करके। और विक्टोरिया नाम मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है क्योंकि मेरी क्लास में एक लड़की है और उससे मेरी कभी भी नहीं बनी, तो मुझे नाम इतना बुरा लगता है। खैर अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ पर पाकिस्तान की हर एक चीज़ मिल जाती है। मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ, मेरे घर वाले आ चुके हैं बहुत दफ़ा पर मैं पहली दफ़ा आई हूँ। ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे खुली हुई पूरी, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की जो मार्केट्स वगैरह होती हैं लोकल मार्केट्स जो होती हैं वो लोकल मार्केट लगी हुई है। चलिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वाकई में पाकिस्तान की ना लोकल मार्केट्स पे आ गए, बिल्कुल डिट्टो सब वही है। और मुझे जब कहा था ना मम्मा ने कि हम विक्टोरिया मार्केट जाएंगे तो मुझे लग रहा था कि शायद कोई मॉल वगैरह, लेकिन अभी पता चला नहीं भाई ये मॉल नहीं है, जो पाकिस्तान की लोकल मार्केट्स होती है वैसी है। हर एक चीज़ है यहाँ पे, मैं एंगल वेंगल नहीं देख रही ना, मुझे पता मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, पर यहाँ पे हर एक चीज़ है, इंडिया, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मतलब सारे मिक्स है कि माँ पता नहीं किधर से इधर से उधर घुमाए चल जा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा कि किधर जाना है, क्या लेना है, क्या करना है इनको, पर घुमा रही हैं इधर से उधर और हम भी घूम रहे हैं। कि मम्मा को कपड़े भी समझ आती है ना, सब्जियों की समझ आती है, हर चीज़ में इतना टाइम लगाती है ना, अभी भी ना बस मतलब ले ही नहीं पा रही। यहाँ पे मेरी अम्मा ना पागल करते हुए कि कड़ी पत्ता ख़राब है सही है, उस बेचारे ने पूरा ऊपर से निकाल के दे दिया। जैसे मम्मा कपड़ों में करती है ना सारे कपड़े निकाल के ना ये सही नहीं है वो सही नहीं है, उस बेचारे से सारे कड़ी पत्ते निकलवा लिए कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है। ये देखिए वो बेचारा भी परेशान हो गया कि भाई कौन सा चाहिए। बच्चे ना पीछे खड़े होते हैं और हमारी अम्मा जो है ना बार्गेनिंग कर रही है उस बेचारे से कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है। पाकिस्तान की जो लियाकत मार्केट होती है ना ये वैसी लग रही है मुझे, मतलब सारे ना वैसी स्टील लग रहा है कि चांद रात है और मतलब बैक कैमरा बैक से भी दिखा, मतलब चांद रात में जैसे रश होता है ना वैसे यहाँ पर नॉर्मल डेज का रश है। और ये मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ, मतलब मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ ये, किस किस से देखा कौन कौन विक्टोरिया मार्केट आया है कॉमेंट में ज़रूर बताया। और छोटी कितने की? 5.5। अच्छा
हमारे ना गोश्त की दुकान पे ना गाय टंगी हुई होती है, इनकी दुकान पे ना इनका फेवरेट गोश्त टंगा हुआ है। बोला नहीं चाहिए लेकिन फेवरेट चीज इनकी है। आंटी ने ना यहाँ पे पीछे थीम रखी है, सब्जियों की भी थीम है, मतलब सिर्फ हरा 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 रखा हुआ है और कोई से भी इन्होंने कुछ बीच में नहीं रखा हुआ, इसमें भी आंटी ने थीम बनाई। ऐसी बात है मछली और गोश्त की है, ये मेरे बहुत टाइम बाद ना स्मेल हो रही है। मैं पाकिस्तान में होती थी ना, मतलब पाकिस्तान वाला फील आ रहा है। ये नहीं बोली कि पाकिस्तान में स्मेल आती है, लेकिन पाकिस्तान में जो गोश्त की मछलियों की दुकानें होती थी ना वैसी स्मेल आ रही है। यहाँ वाले ना जैसे पाकिस्तान में आवाज़ दे दे के बुलाते हैं ना, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, यहाँ वाले ना वैसी आवाज़ दे दे के बुला रहे हैं हमारे पास, आ जाओ हमारे पास चाओ अस्सलाम वालेकुम ऐसे बुला रहे हैं। अभी भी अंकल ने ऐसी, फिर हम लोग निकल के सीधा खाना खाने के लिए गए तो उन गोलगप्पों ने मेरा इतना दिल ख़राब करा था, इतने बुरे गोलगप्पे गोलगप्पे तो थे ही नहीं, सकता था कचौरी इतने सॉफ्ट इतने नरम कि मेरा इतना दिल ख़राब हुआ था। बट नेक्स्ट वीडियो ना मेरी इसी के ऊपर है, रिव्यू के ऊपर इस रेस्टोरेंट की, तो आप लोग लाजमी देखिएगा। खाना ना खा के फिर हम लोग जा रहे थे, मम्मा को प्लांट की शॉप दिख गई, तो हम लोग ने वहाँ से मम्मा को एलोवेरा लेना था क्योंकि मम्मा ढूंढ ढूंढ के थक गई, मम्मा को कहीं नहीं मिला और यहाँ पर भी नहीं मिला, हम लोग इतना थक गए थे। मम्मा ने कहा अब कहीं हिम्मत नहीं जाने की, अब सीधा घर जाएंगे हम लोग। इतना ही मिलती हूँ मैं आप लोग को अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।